भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा है जो जीवन का निर्माण करने वाला है। खास तौर से हमारी भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, युवा हैं। आज भारतवर्ष के अंदर 60 करोड़ युवा हैं। उन सब युवाओं को दिशा की आवश्यकता है। इसीलिए चैनल 24 न्यूज प्लस ने जो है ये पुनरुत्थान कार्यक्रम जो दिया कि कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से ली जाए और प्रेषित की जाए इन युवाओं को, इन बच्चों को, ताकि जो आने वाला उनका जीवन है वह एक अच्छा जीवन बने, वह एक अच्छा इंसान बने। और उसके साथ साथ में जब वो स्वयं अच्छा इंसान बनेगा तो उसकी निष्पत्ति यह होगी कि एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है एक अच्छे समाज का निर्माण करना। तो बंधुओं, अच्छे समाज के निर्माण के लिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय सेवा का महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति के सभी ग्रंथों को उठा लें, सारे धर्मों की सभी पुस्तकों को उठा लें, तो उसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा शब्द मिलेगा, वह एक सेवा। सेवा एक अमृत है, सेवा एक संजीवनी है, सेवा एक ऐसा विषय है जो दुश्मन को मित्र बना सकता है और रूठे हुए को मना सकता है। और वह कितना ही विरोधी हो, वो विरोधी को भी अपनी तरफ झुका सकता है। बंधुओं, अगर सेवा कि इस महत्व को आज हमारा परिवार के लोग, आज हमारे देश के लोग, आज विश्व के लोग, समस्त 200 देशों लोगों लोग अगर सेवा के महत्व को समझें, तो आज पूरे विश्व के अंदर न कोई आतंकवाद होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा, और न किसी तरह की अनैतिकता होगी, न कोई असंवेदनशीलता होगी। सभी प्राणी, सभी हम व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को समझेंगे और प्रेम से रहने का जो कहेंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा, भाई और बहनों, आपको बड़ा सटीक उदाहरण देता हूं कि सेवा का क्या महत्व है और किस तरीके से इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जितने भी हम 7 अरब की जनसंख्या के लोग हैं, किस तरीके से जीना चाहिए, उसका एक बड़ा मेडिकल साइंस का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। बंधुओं, कि वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये मानती है कि जहां पर शेल है, जहां पर कोशिका है, वही जीवन है। जो मैं बोल रहा हूं, मेरे में शेल्स हैं, तब मेरे जीवन में, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने लाइट है, मेरे सामने माइक है, इनके अंदर शेल्स नहीं है, इसीलिए इनमें जीवन नहीं है, इसीलिए संवेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो सेल्स के लिए कहा गया है कि हर प्राणी में कुछ न कुछ, मतलब उसके अलग अलग संख्या होती है सेल्स की। हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है और प्रतिक्षण, प्रतिदिन ये कोशिकाएं मरती है और नई बनती है। उसी कारण जीवन चलता है, जीवन कहा जाता है। अगर कोशिकाओं का मरना और पुनर्जीवित होना, दूसरी कोशिका बनना, अगर ये प्रक्रिया ना हो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि मनुष्य का जीवन जो है ये चल नहीं सकता, और मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में नहीं रह सकता, उसकी कोई लाइफ नहीं रह सकती है। तो भाई और बहनों, ये मैं बता रहा था कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएँ रहती है, और वो 60 खरब कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा, भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने पेन किलर की कोई टेबलेट ली, तो वह टेबलेट आपके, समझिए घुटने के अंदर दर्द है, तो वह टेबलेट वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंट करके, लिक्विड बन करके, वह हमारे घुटने के पास में आती है और हमारे शरीर के ब्लड के अंदर पूरे सर्कुलेशन के साथ घूमती है। लेकिन जो हर एक कोशिका का एक मुंह होता है, तो वो मुंह नहीं खोलती, रिसेप्टर बोलते हैं उसको, वो मुंह नहीं खोलती है, लेकिन
जिस जो हमारे दर्द है घुटने के अंदर, तो घुटने की सारी जो कोशिकाएं हैं वो अपना रिसेप्टर्स खोलती है, अपना मुंह खोलती है और उस दवाई को ग्रहण करके और जहां पर दर्द है उन स्पॉट्स के ऊपर उस दवाई को, उस लिक्विड को भेज देती है और जो है उसकी प्रक्रिया के द्वारा वो दर्द ठीक हो जाता है। अब देखिए 60 खरब कोशिकाएं, इस उसको होमोस्टेटिक कहा जाता है मेडिकल साइंस की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की भाषा के अंदर 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर में रह करके और शरीर को बड़ा सुखपूर्वक संचालित करती है, बड़ा अच्छी तरीके से संचालित करती है। तो क्या हम 7 अरब की जनसंख्या, मात्र 7 अरब, 60 खरब के सामने 7 अरब क्या मायने रखती है? तो क्या हम एक साथ शांति से जीवन यापन नहीं कर सकते? भाईचारा के साथ, भाई भाई रहकर प्रेम के साथ में क्या हम जीवन यापन नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें सेवा का पाठ पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। सेवा के अंदर त्याग की वृत्ति है, देने की बात है, लेने की बात नहीं है। सेवा कौन लेता है, कौन देता है, कौन लेने का अधिकारी है, कौन देने का अधिकारी है, उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों देखिए कि एक अंधा व्यक्ति है, वह रोड पार करना चाहता है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसके पास आंखें नहीं हैं, तो वह सेवा लेने का अधिकारी है। और जिसके पास में आंखें हैं उसका हाथ पकड़ के आराम से जो है उसको रोड पार करवा देता है। तो बंधुओं ये एक बहुत बड़ी सेवा है। मैं आपको कल का एक उदाहरण बताता हूँ कि कल मैं जयपुर से आ रहा था, मेरी जो अटैची थी वो काफ़ी भारी थी, तो मैं पुल के ऊपर जो सीढ़ियों से चढ़ नहीं पा रहा था। एक युवा मेरे पास था, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, कुली नहीं है क्या, मेरी हेल्प करोगे, सीढ़ियाँ चढ़ाओगे? तो उस युवा ने सहज ही जो है वो मुझे सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे करके और नीचे स्थान पर लाया। उस युवा को मैंने क्या कहा, वो बड़ा माननीय है, वो ग्रहणीय है। उस युवा को मैंने कहा, भैया मेरी अवस्था आने कारण के अंदर आपने मुझे ये सेवा दी है, तो और निष्काम निस्वार्थ सेवा दी है, न तो आपने कुछ ग्रहण नहीं किया है, कुछ कोई किसी तरह का उसके लिए रेमुनरेशन नहीं लिया, कोई भी पैसा नहीं लिया। तो ये जो आपकी विशुद्ध सेवा है जो आपने अनजान व्यक्ति के साथ में की है, वो आपके सेवा के अकाउंट के अंदर जाएगी। बंधुओं ये हमारा जो ईश्वर है वो कितना करुणाशील है। उसने दो तरह के अकाउंट खोले हैं हमारे यहाँ पर, एक तो हमारा स्वार्थ का अकाउंट और एक निस्वार्थ का अकाउंट, सेवा का अकाउंट। जो व्यक्ति अधिक से अधिक सेवा के अकाउंट की तरफ ध्यान देता है वह व्यक्ति सफल होता है और उस व्यक्ति का हमेशा सहयोग होता है। ऐसा कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्स, ईश्वर किसकी मदद करता है जो कि स्वयं अपनी मदद करता है। यानी स्वयं का अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति जो है वो अपना आत्मसम्मान में जीने वाला हो, विधायक भावों का हो। विधायक भावों को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कि जो है सर्विस माइंडेड हो, जो सेवा का पाठ पढ़ा हुआ हो। हमको सेवा का पाठ है वो प्रारंभ से ही पढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ एक बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला होती है। माँ अपने बच्चे को सबसे पहले सेवा का पाठ पढ़ाती है कि जब तुम बड़े हो जाओ तब अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अपने पड़ोसियों की सेवा करना और अपने साथियों की सेवा करना, अपने सहयोगियों की सेवा करना, उसका पाठ पढ़ाया जाता है। बंधुओं भाइयों और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आप देखिए कि कितने कितने मूल्य भरे पड़े हैं। उन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए, उन मूल्यों के कारण भारत हमारा गुरुदेश रहा है, भारत का विश्व के अंदर बड़ा नाम रहा है कि भारत ने ही देश पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। क्योंकि ये मूल्यों का देश है, यहाँ मूल्यों के निर्वाह की बात की गई है या मूल्यों की चर्चा की गई है। राजनैतिक मूल्य है, हमारे पारिवारिक मूल्य है, हमारे आत्मिक मूल्य है, हमारे मानवीय मूल्य है, हमारे आर्थिक मूल्य है, सब जगह हम मूल्यों को स्थान देते हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति जो है एक उच्च संस्कृति गिनी जाती है,
तो बंधुओं उन मूल्यों में एक सबसे बड़ा मूल्य है वो सेवा का मूल्य है। आप देखिए कि हमारी इस भारतीय संस्कृति में चार तरह के ऋण कहे जाते हैं, कर्ज कहे जाते हैं। सबसे बड़ा पहला जो हमारा ऋण है वो क्या है, देव ऋण। दूसरा जो है हमारा पितृ ऋण, तीसरा हमारा है गुरु ऋण, और चौथा हमारा ऋण है समाज ऋण। बंधुओं इस ऋण को, इस कर्ज को इसी जीवन में चुकाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये ऋण चुकाए बिना हमारी मुक्ति नहीं है। और हमें इस समाज ने जो है पहचान दी, हमें माता पिता ने ये संसार दिखाया, हमें गुरु ने हमारा अज्ञान दूर किया, और देव हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अच्छा चिंतन देते हैं, और अच्छा कार्य करने की जो है हमें आत्मविश्वास जगाते हैं। बंधुओं ये ऋण उतारने के लिए सेवा की जाती है। हम देव ऋण कैसे उतार सकते हैं, वो सेवा के द्वारा, ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर के नाम का स्मरण करके, ईश्वर के नाम का जप करके, और ईश्वर के द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है कि किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न दिया जाए, ये सबसे बड़ा जो हमारा ईश्वर हमें पाठ पढ़ाता है उसको शिरोधार्य करके हम देव ऋण उतार सकते हैं। ये हमारे देव के प्रति, ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। हम मंदिर जाते हैं तो इससे हमारा देव ऋण उतरता है, हम माला फेरते हैं देव ऋण उतरता है। अब दूसरा गुरु ऋण की बात की जाती, गुरु, गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू मने दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है, गुरु वह आत्मा है, गुरु वह साथी है, गुरु वह प्रतीक है जो कि अंधकार को मिटाता है, अज्ञान रूपी अंधकार। बंधुओं इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञान है। व्यक्ति इस संसार में इस 84 लाख जीवा योनि में क्यों भटकता है, वो अज्ञान के कारण भटकता है। जब सदगुरु का साथ मिलता है और उसको आत्म साक्षात्कार होता है, उसको ब्रह्म ज्ञान दिए मिलता है, उसको केवल ज्ञान मिलता है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। और ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान की गुरु के माध्यम से प्राप्त होने के बाद के अंदर वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य में ईश्वर बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी है, योग्यता है। वह योग्यता हम सेवा करके हासिल कर सकते हैं। और हमारा पितृ ऋण, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा सृष्टि, आज हमारा जो संसार है, उस संसार के जो है हमारे तीर्थ है वो माता पिता कहे जाते हैं। उसमें सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण जो है श्रवण कुमार का आता है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे तो कावड़ में बिठा करके, दोनों कंधों पे कावड़ में रख करके माता पिता को जो है वो तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गया। और बीच के अंदर वर्णन आता है कि राजा जो है वो अपने राम के पिता जो दशरथ है, वह जो है वो आखेट करने आए थे। तो राजा लोग आखेट किया करते हैं, राजा लोग जो घूमने जाया करते हैं, तो आखेट के अंदर उन्होंने देखा कि कहीं पर जो है आवाज़ आ रही है तालाब के किनारे। वो आवाज़ क्या थी कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को जो ठंडा जल पिलाने के लिए प्यास लग गई थी, पिलाने के लिए वो अपनी गगरी भर रहा था, वह अपने जो है उस जो उसको बर्तन को भर रहा था, उस आवाज़ के कारण किसी जानवर की, किसी हिरण की आवाज़ को समझ करके, और उन्होंने तीर चलाया और दशरथ का वह तीर जाकर के जो है श्रवण कुमार को लगा। तो काफ़ी देर से जब श्रवण कुमार के माता पिता जो पानी के लिए व्याकुल हो रहे तो चिल्लाने लगे तो कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो। ये आवाज़ जो दशरथ के कानों तक गई और दशरथ उनके पास आया और दशरथ ने पानी पिलाने की कोशिश की, तो जब वो पानी का स्पर्श हुआ उनके हाथों से तो माता पिता कहने के लगे तुम श्रवण कुमार नहीं हो, तुम कौन हो। वो मौन रहा, पानी नहीं पिया। फिर आखिर जो है वो दशरथ ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया
कि मेरे से गलती हो गई और इस तरीके से मेरा बाण श्रवण कुमार को लग गया, तो भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण है, उनके माता पिता ने शाप दिया कि जिस तरीके से हम माता पिता है वो अपने श्रवण कुमार पुत्र के वियोग के अंदर जो अपना जीवन हम त्याग रहे हैं, एक सा समय आएगा कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। ये प्रसंग आ गया, लेकिन मैं बात कर रहा था सेवा की। ये श्रवण कुमार की सेवा है, अनूठी सेवा है, अनुकरणीय है, ये उदाहरण देने हैं। माता पिता की सेवा करके हम पितृ ऋण उतार सकते हैं, और एक समाज का ऋण होता है बंधुओं। समाज का ऋण उतारने के लिए तीन तरह की सेवा बताई गई है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, हमने इस सेवा के महत्व के विषय पर हर कोण से, हर दृष्टिकोण से उदाहरण के द्वारा हमने ये जाना कि कितना महत्वपूर्ण आपका विषय है। अब इस विषय के ऊपर जो है मंथन करने के बाद थोड़े समय के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। हम ब्रेक ओपन के बाद में एक महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर हम सबको प्यास लग रही है, उस विषय की जानकारी में, उस विषय को जीवन में उतारने के लिए पुनः हम ब्रेक के बाद हाजिर हुए। और समाज सेवा के लिए जो है प्रेरित किया जाता है साधु संन्यासियों के द्वारा, हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर भी ये कहा जाता है, एक समय आना चाहिए कि जब व्यक्ति जो है वह अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण करने के पास में तीसरा एक मानप्रस्थ जीवन होता है। मुझे गुरु कृपा से 98 के बाद में लगभग 20 साल से वानप्रस्थ जीवन है, और मैं इस जीवन को बड़े एंजॉय के साथ में, बड़े आनंद के साथ जी रहा हूँ। 24 घंटे जगत कल्याण, आपके सामने जो प्रवचन दे रहा हूँ, ये जो मैं विवेचन कर रहा हूँ, ये जगत कल्याण के लिए 24 घंटे मैं ये सोचता हूँ कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन 20 साल से वो समाज को समर्पित है, और किस तरीके से 24 घंटे में अधिक से अधिक समाज की सेवा करके अपने भाइयों को, मेरा ज्ञान का फील्ड है, अच्छा ज्ञान बांट करके, अच्छे अच्छे शिक्षार्थी तैयार करके, अच्छे अच्छे सेमिनार करके, अच्छी कॉन्फ्रेंस करके, अच्छे प्रवचन दे। अभी थोड़े दिन पहले 15 दिन हमने जैन धर्म का पूरा पर्युषण पर्व के अंदर तीनों समय, सुबह, शाम, रात्रि को दो दो घंटे का प्रवचन दे करके पूरे समाज को ये बताया कि मनुष्य का जीवन नैतिक होना चाहिए, मनुष्य का जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारा परिवार है, हम उस परिवार का भरण पोषण करना ये हमारा उत्तरदायित्व है, वो हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें अर्जन करना चाहिए, लेकिन अर्जन के साथ में विसर्जन होना चाहिए बंधुओं। जहाँ अर्जन के साथ विसर्जन होता है वहाँ संतुलन होता है। जहाँ इस पृथ्वी के अंदर जो सारी सृष्टि टिकी हुई क्यों है कि यहाँ संतुलन है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम आपने कभी देखा होगा कि हम चल रहे होते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर स्थिर है तो हम आराम से चलते रहेंगे, लेकिन सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डिस्टर्ब होगी तो हम लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। ये भूकंप सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने से आते हैं, ये सुनामी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने के लिए आते हैं, और इसीलिए अगर संतुलन है सृष्टि के अंदर तो सृष्टि आराम से सभी को सुख देती है, उसका आराम से भरण पोषण करती है। तो सेवा का महत्व क्या है कि सेवा हमें जीवन में संतुलन सिखाती है कि आप अर्जन करो, धन कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ उसका हिस्सा अपने भाइयों के सही के लिए सहयोग का करो। आप कहो कि मेरे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया, आप अपने परिवार के ऋण से मुक्त हो गए, तो वो जो समय आपके पास 24 घंटे भगवान ने सभी को दिए हैं उसमें अगर आपके पास में 4 घंटे 2 घंटे का समय है जहाँ पे रुचि का स्थान है, जहाँ मंदिर का स्थान है, पुस्तकालय है या ऐसी कोई भी जगह है, वहाँ जाकर के आप निस्वार्थ सेवा दीजिए, समय दीजिए तन की सेवा। मैं आपको पंजाबी लोगों का जो है सेवा को कोट करना चाहता हूँ, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उनकी कार सेवा,
बड़ी अनूठी है। बड़े बड़े अरबपति लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग जब गुरुद्वारे के बाहर में आ जाते हैं और लोगों की जो बूटों की पालिश करते हैं बंधुओं, कितना बड़ा जो है ये एक सेवा का महत्व तो है। उससे हमारा अहंकार विसर्जन होता है। सेवा करने से हमको क्या प्राप्ति होती है कि हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमारा अहंकार नीचे उतरता है। जो घोड़े पे सवार अहंकार है वो नीचे आता है कि नहीं भैया, जो घमंड करने से व्यक्ति का जो है वो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता है, सेवा करने से अस्तित्व होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर है कि वो देखिए हॉस्पिटल के अंदर देखिए, जब कभी भी विपदा आ जाती है, जब किसी भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो हमारे आरएसएस के लोग, हमारे एनजीओ के लोग, हमारे सेवाभावी लोग बिना अपने जीवन के जो प्राणों की रक्षा किए हुए उनकी उनके जीवन को बचाने के लिए जाते हैं। बंधुओं, ये देने का कार्य है। सेवा जो है देना सिखाता है, वो लेना कम सिखाता है, देना। तो इसलिए बंधुओं, सबसे अच्छा व्यक्ति इस समाज का कौन सा व्यक्ति होता है जो समाज से लेता कम है और देता जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है, वो परमात्मा कहलाता है। हमारे इस सेवा के महत्व को देखें तो हमारी तीन तरह की चेतना है। पहली हमारी है स्वार्थ की चेतना, दूसरी है परार्थ की चेतना और तीसरी है परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर है, शरीर के लिए भोजन चाहिए, हमारा परिवार है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसके लिए सरकार भी प्रयास करती है, बहुत साजन जुटाती है, कितनी बड़ी योजनाएं बनाती है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें अर्जन करना आवश्यक है, ये तो जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस स्वार्थ के साथ साथ में दूसरी आती है परार्थ की बात, कि मेरे पास इतना अर्जन हो गया कि मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसके पास जो एक्स्ट्रा मेरे पास धन है उसका दुरुपयोग, उसको ऐश आराम में, अय्याशी के अंदर, उसको जुआ खेरी के अंदर, केवल स्वार्थ के अंदर उसको नष्ट नहीं करके, ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे भाई हैं, उनका उनके आंखों पहुंचना होता है। ऐसे लिए कहा गया है भाई और बहनों कि जो हम दूसरों के आंखों पहुंचते हैं तो ईश्वर हमारे आंखों में आंसू ही नहीं आने देता है, वो पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर लेता है। कहना का अर्थ ये है कि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। दुख के लिए ये कहा गया है कि जो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का होए। यानी जो व्यक्ति सुख के अंदर ईश्वर को याद रखता है, सुख का अर्थ क्या है कि मेरे शरीर चल रहा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरा दिमाग चल रहा है, तो उसको उस दिमाग का उपयोग, उस ज्ञान का उपयोग, उस धन का उपयोग, उस शरीर का उपयोग मैं समाज के लिए करूं, उसी का नाम सेवा है बंधुओं। और इसीलिए आज इस सेवा के महत्व पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम इस पुनरुत्थान कार्य के अंदर उसका इसका महत्व और इस पर इस इतना प्रकाश इसीलिए डाल रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। और जो सेवा करने वाले हैं, तीसरी मैं जो बात कर रहा था वो परार्थ की चेतना होती है, वो क्या कहती है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और सृष्टि के अंदर सारे लोग जिए, मनुष्य जिए, प्राणी जिए, सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। तो हमको किसी को दुख देने का क्या अधिकार है, वह हमें दुख नहीं देना चाहिए। और हमारी युग निर्माण योजना में ये कहा गया है, संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार करना, संसार की सबसे बड़ी सेवा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। आप रोज समय पर आते हैं और पुनरुत्थान कार्यक्रम के जो नए नए विषय रोज जो है हमको चैनल 24 न्यूज प्लस जो है हमारी भारतीय संस्कृति के विषय देता है उसका प्रतिपादन हम मिलके करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उससे नवनीत निकलता है और वो नवनीत जो है हमारे जीवन की धारा को बदलता है, जीवन की दिशा को बदलता है और जीवन की उपयोगिता करता है। बंधुओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीव सुख से रहें, आनंद से रहें, किसी को कष्ट नहीं हो, इसी मंगल भावना के साथ में शुभकामना के साथ ओम अरम। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं